फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चूँकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्लास 11th में आप जहाँ डिफरेंशिएशन छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट होगा क्लास 12 में। मतलब कि आप 11 का यदि डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12 आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंशिएशन को 11th का जो डिफरेंशिएशन है, बेसिक जो है वो आप समझ लीजिए। और तो डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्ट में इसका डिनोट करने का तरीका है d/dx। कहीं आपको d/dx मिल जाए या तो f-x, यदि कोई फंक्शन f(x) है और आपको डैश लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए वो डिफरेंशिएशन है। या तो फिर कहीं कहीं आपको y बराबर कुछ है और उसमें यदि डैश लग जाए तो समझ लीजिए वो डिफरेंशिएशन है। और कभी कभी d1 लिखा हुआ हो, इसका मतलब भी आप समझेंगे कि डिफरेंशिएशन है। तो चार तरीके से आप देख सकते हैं। कभी कभार y1 से भी डिफरेंशिएशन इंडिकेट किया जाता है। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको d sin x/dx पढ़ेंगे। लेकिन क्या है ना कि ये सटीक नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। लेकिन यदि कोई बोला जाए कि d sin x/dx को नियमतः क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, साइन एक्स with respect to x, ये बोलेंगे। ये आपका इतना लंबा चौड़ा नहीं बोल करके हम लोग d sin x/dx बोल देते हैं। जबकि मैथमेटिकली यदि आप बोलना चाहेंगे तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इतना बार बार लिखना हो तो इसको हम लोग wrtx लिख देंगे। इतना लंबा को हम लोग wrtx लिखेंगे। तो अब यदि बोल दिया जाए कि भाई ये क्या पढ़ेंगे इसको, तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे है ना। तो ये है डिनोट करने का तरीका। यदि फिजिक्स के टर्म में इसी को देखा जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये हम लोग सीख गए। अब यदि बात किया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका एक फार्मूला होता है nxn-1। यहाँ से हम लोग फार्मूला को स्टार्ट किए, यहाँ से इसको क्या पढ़ते हैं बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू nxn-1। मतलब जो आप पावर में देख रहे हैं वो मल्टीप्लाई में आ गया, फिर एक्स और फिर पावर में एक घट जाएगा। यदि इस पर हम एक एग्जाम्पल देना चाहें तो बताइए x³, है ना, n के जगह पर क्या आ गया है, n के जगह पर 3 आ गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n के जगह पर 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिख दिए, फिर यहाँ x लिखना है और फिर 3-1, मतलब क्या हो गया 3x². तो बताइए कि x³ का डिफरेंशिएशन यदि कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, 3x². यदि बात कर लें x टू द पावर 4 का, आप बताइए यहाँ क्या है, पावर यहाँ आ गया, फिर यहाँ लिखेंगे x और फिर पावर में एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x³। तो ये छोटा छोटा सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये डिफरेंशिएशन का। तो अब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x^-5, x^-5 का डिफरेंशिएशन, तो रूल तो वही है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगा 5, फिर एक्स, फिर पावर में एक की कमी, पावर गुना में पावर में एक की कमी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, फिर x और फिर -6। इस -6 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
एक्स पे पावर माइनस वन है तो हम लोग क्या लिखा करते हैं, बचपन में हम लोग जानते हैं वन बाय एक्स। तो इसका माइनस को हटाना हो तो हम लोग एक के नीचे ले आएंगे माइनस फाइव, और इसका माइनस हटाने के लिए वन बाय एक्स टू द पावर सिक्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव बाय एक्स टू द पावर सिक्स। तो अभी पावर पॉजिटिव में भी देख लिए, नेगेटिव में भी देख लिए। अब कभी कभार क्या होगा कि फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, कोई फायदा है हम तो। अब कभी कभार क्या है ना कि पावर आपका फ्रैक्शन में आ गया, देखिए ऐसे है ना, तब क्या होगा, तब भी रूल वही होगा, जो पावर में वो आएगा मल्टीप्लाई में, फिर एक्स, फिर पावर में एक घट जाएगा, है ना। ऐसे अब क्या हो जाएगा, ये थ्री बाय टू एक्स, और थ्री बाय टू में एक घटा देंगे तो वन बाय टू। तो अभी हम लोग देखे पावर वाला, है ना, पावर वाला तीन फार्मूला देख लिए, तीन तीन, एक था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और पावर। अब इसमें से आपको कुछ और देखना होगा, और कुछ फार्मूला है इसमें, मात्र 14 फार्मूला है। वो 14 फार्मूला यदि आप जान जाते हैं, तो पहला फार्मूला तो आप ये जान गए x टू दी पावर n का, तो n x n माइनस वन। दूसरा हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग यदि बढ़िया से नियमतः पढ़ना चाहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos x। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। तो अभी देखिए डिफरेंशिएशन हम यदि बात करें cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। यदि तीसरा नेक्स्ट की बात करें tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन आप जानेंगे sec स्क्वायर x। और पांच में है cosec x का डिफरेंशिएशन, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट है sec x, यदि sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानना चाहें तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। लास्ट cot x का, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं और इसका डिफरेंशिएशन हमने देखा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप बार बार मिस करेंगे और वो मिस आपको हो सकता है नंबर काट दे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है कि वैसा फंक्शन जो सी से स्टार्ट है, तो देखिए एक ये सी से स्टार्ट है कॉस, दूसरा एक कॉसेक भी सी से स्टार्ट है, और नेक्स्ट वन जो है कॉट, ये तीनों सी से स्टार्ट है। और जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट है तो उसके रिजल्ट में आप देख पा रहे होंगे क्या है, माइनस है। तो इसको आप मिस नहीं करिएगा। तो आप जिसमें वैसा फंक्शन जो सी से स्टार्ट है रिजल्ट में माइनस, सी से स्टार्ट है रिजल्ट में माइनस, सी से स्टार्ट है रिजल्ट में माइनस, इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। इस तरह का छोटा छोटा और मैं चीज़ बता देता हूँ, 13, 14, 15 फार्मूला बता देता हूँ। और यदि आप इतना सीख गए, इतना ध्यान में रखेंगे तो बड़ा इजी से पहला एक्सरसाइज जो है वो बन जाएगा, एक्सरसाइज आपका 28A आराम से बनेगा। तो बस आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा ई टू द पावर एक्स ही होता है। नाइन में आएगा ए टू द पावर एक्स, नाइन में क्या आ जाएगा ए टू द पावर एक्स। ध्यान रखिएगा ई का एक स्पेसिफिक वैल्यू है 2.7, ई के जगह पर दूसरा कोई वैल्यू नहीं आ सकता है, ये स्पेशल है ई, और ई का वैल्यू होता है 2.7, इसमें दूसरा कोई वैल्यू नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बात आ गई ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स का फॉर डिफरेंशिएशन होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और ए के जगह पर आपको कोई भी अंक आ सकता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ए और ई में अंतर है, ई वाला के जगह ई ही रहेगा और ए के जगह पर कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए। यदि हम बोल दें टू टू द पावर एक्स, तो आप बोलिएगा टू टू द पावर एक्स लॉग टू। तो ए और ई में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा आप। तो अभी नौ फार्मूला देखे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब एक है लॉग एक्स,
इसका नंबरिंग होगा शायद 10, है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप ध्यान में रखिएगा, क्या 1/x, ये हो गया। अब 11वां में हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखिएगा 1/2√x, बार बार यूज होगा ये रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x। और 1/x का डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखिएगा -1/x2। 13 में आपका देख लीजिए dx/dx, जितना ऊपर x का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, तो 1 सिंपली। और 14 नंबर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब कि आप अभी देख रहे हैं कि नीचे x तो ऊपर x, नीचे x तो ऊपर x, उसी का जाति पाती। लेकिन जी यहाँ पर देखिए कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि 5 है और x, तो देखिए नीचे x है लेकिन उसका ऊपर में जाति पाती है क्या, नहीं है ना, x के टर्म में कुछ नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। यदि बोल दिया जाए 1, तो 1 x का जाति पाती तो नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो कुल मिलाकर के कोई भी कांस्टेंट किसको कहते हैं, नीचे में x है और उसका जाति पाती ऊपर में ना हो तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। ये देखिए 5 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, तो ये सभी कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप ध्यान में रखेंगे क्या 0। तो ये 14 फॉर्मूला यदि आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज जो है 28A बड़ा इजी वे में बनेगा, तो मैं 28A बनाता हूँ। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं क्लास 11th का और बुक है आर एस अग्रवाल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 28A और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, इसका फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग अभी पढ़े थे और डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब आपको सजा देना है d/dx से, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, डिफरेंशिएट लिखा हुआ, तो d/dx आ गया, उसके चलते यहाँ है -3। अब क्या है रूल कि पावर क्या है, अभी हमने सुना था ना, सब सीखा था कि पावर गुना में आएगा, फिर x आएगा, फिर पावर में एक की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -3 × x^-4। आप यहाँ भी आंसर रख सकते हैं और इसका माइनस को हटाना चाहें तो -3 और इसका माइनस हटाना हो तो 1 के नीचे ले आइए, तो हो जाएगा -3/x^4। बिल्कुल आसान है ना। चलिए नेक्स्ट इसको भी हम लोगों को बनाना है, लेकिन इसको सिंपलीफाई करना होगा। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें क्या करना है कि यदि यहाँ जो रहता है तो x को x लिख दीजिए और यहाँ जितना रहेगा वो पावर में आ जाता है। आप पढ़े होंगे क्यों, क्योंकि जब आप रूट एक्स पढ़ते हैं तो यहाँ 2 छिपा रहता है, तो रूट एक्स को हम लोग लिखते हैं x^1/2, चूँकि यहाँ 2 साइलेंटली छिपा रहता है, तो यहाँ भी 3 है तो x^1/3 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं 1/3, चूँकि डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग d/dx लगा देंगे, ऐसे d/dx। अब क्या है पावर गुना में, फिर पावर में एक की कमी, ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, फिर x LCM 3, तो 1 − 3, तो ये हो जाएगा 1/3 और x^-2/3। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं और यदि चाहें तो आप इसको आगे बढ़ा करके माइनस को हटा सकते हैं, 1/x^2/3, 1 × 1 = 1 और 3 × x^2/3। कितना आसान है, आप समझ पा रहे होंगे सभी को, और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे आप। आइए देखते हैं दूसरा का पहला है क्या है, 1/x है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x^-1, बिल्कुल लिख सकते हैं, चूंकि x ऊपर चला गया -1, तो x^-1 लिख दिए। अब फिर पावर में आ गया, पावर गुना में, फिर x और फिर पावर में एक की कमी, तो ये हो गया -1 x^-2,
और ये हो जाएगा माइनस वन, और इसका माइनस हटाने के लिए वन के नीचे ले आए तो कुल मिला करके बोलेंगे माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको आप एक फॉर्मूला ही बना लीजिए ना, अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला में वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, आपका जो 14 फॉर्मूला मैंने अभी लिखा उसमें ये था, और क्यों आया तो यहाँ समझा दिए हम। तो सिंपली ये बहुत बार यूज होने वाला फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखिएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है तो इसको हम लोग 1 बाय एक्स पे पावर रूट है तो रूट के लिए क्या लिखते हैं 1 बाय टू, और ये पावर को यदि ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय टू, है ना। तो 1 बाय रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर माइनस 1 बाय टू। चूंकि डिफरेंशिएशन करना है इसको तो हम लोग यहाँ डी बाय क्या लगा देंगे डी एक्स, और एक्स पे पावर क्या लगाएंगे माइनस 1 बाय टू, तब क्या होगा पावर गुना में आ जाएगा माइनस 1 बाय टू, फिर एक्स, फिर पावर में एक की कमी, है ना। तो हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव बचपन से सीखे हैं तो उसी को कम सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 1 बाय टू, फिर एक्स एलसीएम टू, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, कुल मिला करके हो जाएगा माइनस 1 बाय टू एक्स पे पावर माइनस 3 बाय टू। आप यहाँ भी आंसर रख सकते हैं, या तो चाहें तो आप इसका माइनस को हटाने जानते हैं माइनस 1 बाय टू, और माइनस हटाने के लिए 1 के नीचे ले आए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय टू और एक्स पे पावर 3 बाय टू, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं दूसरा का लास्ट सवाल। तो यहाँ पर देखिए 1 बाय, और अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ 3 है पावर, तो एक्स पे पावर क्या आ जाएगा 1 बाय 3 आ जाएगा, और इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 3। चूंकि डिफरेंशिएशन करना है तो हमको यहाँ डी बाय डी एक्स लगाना पड़ेगा, और एक्स पे पावर माइनस 1 बाय क्या आ गया 3। अब क्या है कि पावर को हम लोगों ने सीखा है कि पावर को गुना में लाएंगे फिर एक्स लिखेंगे और पावर में ही एक घटाएंगे ऐसे। अब क्या है कि ये माइनस 1 बाय 3 हो गया और एक्स हो गया, एलसीएम की मैं बात करूं तो 3 हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 3, फिर एक्स हो जाएगा और ये हो गया माइनस 4 बाय 3, और कुल मिला के कहा जाए तो इस माइनस को हटाना हो तो 1 के नीचे ले आएंगे और ये हो जाएगा 4 बाय 3। तो माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स पे पावर 4 बाय 3, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देखा आज थ्योरी उसका, उसके बाद क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन को भी मैंने देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे। थैंक यू, तब तक वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।